नायक को कैफे का शो है इस्लामाबाद में और हमें जाना है इस्लामाबाद वो भी एक ट्रेन से, ताकि हम सफ़र को एंजॉय कर सकें और ये मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। मैं शुरू से कहता चलूँ ये फरिश्त आपका लोकल ट्रेन है, क्योंकि यार बाकी ऑप्शन नहीं थे। खैर हमारे सफ़र का आगाज़ 7:30 से होना था, लेकिन वक्त की पाबंदी से हमारे रेलवे का कोई ताल्लुक नहीं। 20 मिनट लेट होने के बाद मैंने गर्म पानी का कप पिया, जैसे रेलवे स्टेशन में चाय कहते हैं। 7:52 में लाहौर के लिए ट्रेन चलने लगी। खैर हम खुद से बातें करके और तसल्ली देते हुए भूखे हारे हैदराबाद पहुंचे कुछ खाने के लिए। खाने को मिला जिसे खाने के बाद मैं ये तो नहीं कह सकता कि यार सकबाज हुआ शैतान। रेलवे स्टेशन का खाना कभी ना खाएं। अब चाय का रिस्क हम रेलवे स्टेशन में तो नहीं लेते, क्योंकि रेलवे स्टेशन की चाय चाय नहीं होती। हमें लोगों ने कहा सवाबिक स्टेशन के साथ मार्केट और ट्रेन वहाँ 45 मिनट रुकेगी, वहाँ मस्त चाय मिलती है और चाय के लिए रिस्क तो ज़रूरी है। रात किसी तरीके से गुजार ली, सुबह फॉग और सनराइज ने थोड़ा सा मूड ठीक किया। लेकिन ट्रेन के ब्रेकफास्ट ने फिर से मूड ऑफ कर दिया। काफ़ी शहरों से फरीद साहब की इस ट्रेन ने हमें गुजार के आखिरकार 32 घंटे में लाहौर पहुंचा दिया। यार जेल किसे कहते हैं आज हम लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया है। मतलब एक होता है कि यार इंसान सिर्फ कुछ ज़रा बराबर सीखता है लाइफ में, एक्सपीरियंस करता है, एक होता है गहरा सबक इंसान को मिलता है, तो ये वही गहरा सबक है हमारे लिए। 32 घंटे के सफर के बाद हमें कहीं जरूरी काम से जाना था। उससे फ्री होने के बाद 3 बजे होटल पहुंच के खाना खा के सुबह 7 बजे का अलार्म लगा के 4 बजे तक सो गए। 12 बजे इस्लामाबाद भी तो पहुंचना है। यार देखो हम हैं आर्टिस्ट, तो हम कहीं बारिश बादल फॉग देखें तो रिस्ट्राइक हो जाते हैं, तो लाहौर से इस्लामाबाद के रूट ने हमें फ्रेश कर दिया। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद एक होटल में चेक इन किया, सामान रखे और कुछ खाने के लिए इस्लामाबाद के इस प्यारे मौसम में बाहर निकले। मर्ची की तई आह गरु चंत मनी जान, मन मस्त मनी शहर दराब हवा मस्त, तो अंची जिने की ये तई द्राही आदा मास्त, तो अंची जिने की ये तई द्राही आदा मास्त। अगले दिन चेकआउट करके पहले कुछ काम किए, फिर नमाज पढ़ के खाना खाया और फिर काम पे लग गए। काम की वजह से अच्छा खासा इस्लामाबाद भी देख लिया। जिस चीज़ के लिए आप लोगों ने वीडियो क्लिक की है तो वो दिन आ चुका है। आज पूरे दिन होटल में बैठने के बाद रात में जो कैफे परफॉर्म करेगा उसका साउंड चेक भी तो ज़रूरी है। Thank you.
के कॉन्सर्ट में सिर्फ साउंड चेक ही हो सका। कैफी के परफॉर्म के वक्त क्राउड की क्रेजी और स्टेज पे चढ़ने की वजह से कैफी परफॉर्म नहीं कर सका। आज संडे 1 जनवरी है और हमें ट्यूसडे 3 जनवरी को कराची के लिए निकलना है, तो 2 दिन अब हमारे हैं, मतलब सिर्फ एंजॉय करना है। स्क्रिप्ट में काफी प्यारे लोग मिले, लेकिन अब कराची जाने के लिए ट्रेन सेलेक्ट नहीं करना, मतलब बाय रोड जाएंगे।